बड़ी खबर गुरुग्राम से, आपको बता दें चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल। कोरोना से ठीक होने के बाद गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे थे सीएम मनोहर लाल और अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। कोरोना को मात देकर अब गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवाना सीएम। प्रदेश की जनता को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया है सीएम ने। सीएम मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद मेदांता में उनका इलाज चला और लंबे इलाज के बाद गुरुग्राम में ही कुछ दिनों तक सीएम ने रेस्ट लिया और अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना से लड़ने के लिए संदेश दिया है। कोरोना को मात देने के बाद अब सीएम पूरी तरीके से ठीक हैं और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। इस खबर पर संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में भी कुछ दिनों तक रुककर सीएम ने रेस्ट लिया, अस्पताल से छुट्टी मिली, उसके बाद गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में रुके और अब चंडीगढ़ के लिए रवाना। जी बिल्कुल, नंदी मैं बताना चाहूंगा, पिछले दो हफ्ते से ज्यादा दिन से गुरुग्राम में मुख्यमंत्री रुके हुए थे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। उसके बाद छुट्टी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन्होंने आराम किया और आज सुबह मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने जनता से एक अपील भी की है कि कोरोना से डरना नहीं है, सतर्क रहना है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये चीज जरूर मानी है कि कुछ चूक उनसे भी हुई, जो कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उसी के चलते लोगों से काफी मुख्यमंत्री ने अपील ये भी की है कि साथ ही साथ आप अपना घर से बाहर तब निकले मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आप रखिए। तो एक चूंकि आपको कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में ला सकती है, तो इससे सबसे बड़ी बात यही है कि आप जितने आप सचेत रहे, जितने आप इस चीजों को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं आप कोरोना की चपेट से बच सकते हैं। संजय, जिस तरह के हालात प्रदेश में नजर आ रहे हैं, देखिए कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सीएम का ये संदेश देना और लोग जिस तरह की लापरवाही दिखा रहे हैं, तो आप सीएम का संदेश मान सकते हैं कि लोगों पे कुछ असर डालेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। जी बिल्कुल नंदनी, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है और वो आज कोरोना को मात देके चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, तो कहीं ना कहीं जनता से जो अपील की है, लोगों को वो अपील स्वीकार करनी चाहिए। वो उनके लिए बेहतर होगा, उनके परिवार के लिए बेहतर होगा, इसके नए भविष्य यानी कल की तरफ उनको ले जा सकते हैं, क्योंकि एहतियात आप बरतते हैं तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का यही कहना था कि मैं कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि कुछ तो उनसे भी हुई है जो वो कोरोना पॉजिटिव हुए, और साथ ही साथ आज वो चंडीगढ़ के लिए रवाना जरूर हुए, लेकिन अभी भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी वो 10 दिन के लिए आइसोलेट जरूर रहेंगे। जी जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सीएम मनोहर लाल बिल्कुल ठीक होकर कोरोना से अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने भी स्वीकार की कि कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई जिसकी वजह से उन्हें कोरोना हुआ, और ये संदेश लोगों को उन्होंने दिया है कि आप कोई चूक ना करें और किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना बरतें।